Good evening to all of you, and very good evening again and again. जो नए लोग हैं वो अपनी खैरियत बताएं, सब ठीक ठाक, और जो पुराने लोग हैं उनको कॉपी टू ऑल. पल्लवी, सितांशु, रंजन, रश्मि, निशांत, पूजा, आयुष, अभिराज, वैरी पे निकाल दोगे? मतलब पूजा ये क्या लिखा है, सारा गुस्सा वैरी पे निकाल दोगे? वैरी वैरी, अच्छा. चलो शुरू करें. पहला क्वेश्चन देखो, पंचायती राज इनमें से किस लिस्ट में है? फेडरल लिस्ट यानी कि ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या रेजिडरी लिस्ट? रेजिडरी, ये क्या लिखा है? रेजिडरी सब्जेक्ट्स होना चाहिए था. इन तीनों में से किस में है? आयुष वन का बी, स्टेट लिस्ट. चलो और लोग बताएं, सभी लोग फटाफट. निशांत बी, रंजन, हाँ गौरव ने अपना प्रोफाइल एडिट किया है. अभिराज वन बी, राधिका वन बी, रश्मि बी, सुधांशु बी. सभी लोगों का बी आ रहा है, इसका मतलब आप लोगों ने आंसर देख लिया था लग रहा है ना? चलो कोई बात नहीं, सभी लोगों का आंसर ठीक है. पंचायती सिस्टम स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है और हर स्टेट को अपने में, अपने स्टेट में पंचायत का इलेक्शन कराने की पावर है ना? और उसके लिए प्रोविजन स्टेट को है, सेंटर को नहीं है, ठीक है ना? इसलिए वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट माना जाता है. और किस में है तो वो भी ध्यान रखना. पंचायती राज जो सिस्टम है ना वो एंट्री नंबर 5 में है. कौन से में? स्टेट लिस्ट के, ठीक है, राज्य सूची के एंट्री नंबर 5 में पंचायत का प्रोविजन है और पंचायत से रिलेटेड कानून बनाने की पावर, इसीलिए स्टेट को मानी जाती है, ठीक है. चलो अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल की कंकरेंट लिस्ट में है? क्रिमिनल प्रोसीजर, पुलिस, जेल वगैरह, कारागार या पब्लिक ऑर्डर? बताओ. आयुष 2 का ए, जल्दी बताओ सभी लोग. अभिराज ए, अपर्णा ए, निशांत ए, राधिका, प्रीतम, रश्मि, आलोक, रंजन 2 ए, सितांशु ए, रवि ए, सूरज ए. सभी लोग ए आंसर दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब सभी को सही है. ए फॉर आलोक, वाह क्या बात है. जो क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोविजन है ना वो कंकरेंट लिस्ट में, ध्यान रखना.
पुलिस किस में है? ये स्टेट लिस्ट में है, राज्य सूची में है, ठीक है ना। और प्रिजन जो है, कारागार, ये स्टेट लिस्ट में है। पब्लिक ऑर्डर, ये लिस्ट में, ये स्टेट लिस्ट में, ठीक है। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस एक साइट पर कल्चरल रिलिक्स मिले हैं स्टोन कल्चर के, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ा है? किस एक पुरास्थल से स्टोन एज, ये स्टोन एज होना चाहिए था, स्टोन एज से लेके हड़प्पन सिविलाइजेशन तक के कुछ एविडेंसेस मिले हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है। कल्चरल रिलिक्स, सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं, कौन सी जगह है वो? ये आमरी आर्मी, वाह, कोटदीजी, मेहरगढ़, कालीबंगा, जल्दी बताओ। तीन का डी, डी 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 डी, सभी लोग डी बोल रहे हैं, कालीबंगा। कहीं आप गलत तो नहीं बोल रहे हो? अपने आप को हिला के देख लो, अपना ईमान हिला के देख लो, कच्चा तो नहीं है? डी 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 डी, बीनू, वेरी गुड इवनिंग। चलो डी डी मान ले, इसका मतलब है ना, सभी लोगों का आंसर गलत है, ये मेहरगढ़ है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो पाषाण काल था ना, पाषाण कल्चर और हड़प्पा कल्चर, दोनों के एविडेंस कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ में मिले हैं, ठीक है। सबने एक तरफ से गलत, पूरे कॉन्फिडेंस से झूठ बोला था। ये टैलेंट बहुत बड़ा है आप लोगों में कि आप कॉन्फिडेंस से झूठ बोल लेते हैं। इसके बारे में देखो कुछ डिटेल है। बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का एक स्टेट है, वहाँ मेहरगढ़ एक जगह है, वहाँ स्टोन एज से लेके हड़प्पा सिविलाइजेशन तक के बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, या बहुत सारे जो बची हुई चीज़ें थीं उस काल से लेके इस काल तक, है ना। कौन सी जगह है? मेहरगढ़। कहाँ है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान। आगे देखो, हंसते खेलते आराम से रटते रहो, याद करते रहो। 70-80% प्रीलिम्स के एग्जाम आपका कवर हो जाएगा इससे। नौदा टोली का एग्जीक्यूशन कहाँ हुआ था, सॉरी किसने किया था, करवाया था? केडी वाजपेयी, एचडी संकलिया, सामावई वीएस वांकड़ और मार्टिमर व्हीलर, व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर, जल्दी बताओ। अभिराज ने डी दिया है, अपर्णा ने टू आंसर दिया है, टू ऑप्शन नहीं है इसमें, ए बी सी डी है। बीनू डी, रश्मि सी, पीहू को कोई आइडिया नहीं है, सौरभ नारायण कोई आइडिया नहीं है, काव्या फोर सी, अपर्णा सी, सी एच डी सांकलिया, इसका आंसर सी सही है। नवदा टोली, इसका एग्जीक्यूशन या खुदाई किसने करवाई थी? सांकलिया ने, ध्यान रखना। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, नोट डाउन कर लो, काम की है। नौदा टोली कहाँ है सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में है, और एच डी सांकलिया ने इसको, किसकी खुदाई करवाई थी, और जो चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक
जो एज था ना, इस एशिया एशिया जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, इसमें सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल यानी के कैल्कोलिथिक विलेज साइट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, ये सबसे बड़ा है। कहाँ है? नवदा टोली में। कौन सा? ताम्रपाषाण काल, यानी के पत्थर और जो तांबा है ना, इन दोनों का मिला जुला रूप, मतलब पत्थर और तांबे की जो दौर रहा होगा यूज करने का, उसको ये ताम्रपाषाण कह रहे हैं, कैल्कोलिथिक। इस की खुदाई कहाँ से हुई है? नवदा टोली में। बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, उन एविडेंस के बेस पे ये बात लिखी गई है। और ये कब का माना जाता है? 1600 से 1300 BC, ठीक है ना, यानी कि जब महात्मा बुद्ध हुए थे उससे लगभग 1100 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, किसने किया था, कहाँ है, एशिया का सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक गांव है ये जो मिला है अभी तक। वैसे तो और भी होंगे लेकिन वो मिले नहीं है, है ना, या उनके बारे में बहुत नॉलेज अभी नहीं है लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स कहाँ पाए गए हैं? वृत्त पाषाण यानी कि जो पाषाण काल था उसमें, जो बड़े बड़े पत्थर को यूज करके कुछ मतलब अपना वो चलाते होंगे, कब्रस्तान वगैरह बनाते होंगे मुर्दे को दफनाने, तो उसी के नाम पे इसको रखा वृत्त पाषाण स्मारक। कहाँ की पहचान किस रूप में की गई है? तो उम्मीद है कि ये तो बता दोगे आप, मैंने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया था। भूपेंद्र, वेरी गुड इवनिंग। राजीव, आज फिर लेट हो गए आप। अनीसा, अच्छा, ठीक है, अब ध्यान रखूंगा, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम मिलेगा आपको। रश्मि, 5 का B, आयुष बी, दफनाने के स्थान पे। तो सी, जिसने प्रीतम ने सी आंसर दिया है, निशांत ने सी दिया है। मैंने हिंट दे दिया था आपको कि मैं आंसर दे चुका हूँ, क्वेश्चन में ही दे चुका हूँ, बोला था ना। देखो, जो बरियल प्लेस ऑफ द डेड, फॉर द डेड, मतलब जो मरे हुए लोग होते थे उनको दफनाने की जो जगह होती थी उसकी पहचान के बेस पे मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स माना गया है। मैंने बोला था ना कि बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल करते थे। इसमें मैं पिक्चर डालना भूल गया, एनसीईआरटी में एक पिक्चर दी है, एंशियंट इंडिया की जो किताब है ना उसमें दी हुई है, और उसमें पूरा डिफाइन किया हुआ है कि कैसे वो लोग बड़े बड़े पत्थर के बीच लाश को रख के दफनाते थे, और एक लाश रखते थे या एक से ज़्यादा रखते थे, ऐसे बहुत सारे उसमें बातें हैं, ठीक है ना। तो मैं एक बार अब देखता हूँ, अगर दिखा ना तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। देख लेते हैं, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। थोड़ा सा दिमाग में रहेगा ना आपके। तो गया है लेकिन शायद दिखेगा नहीं इसमें। नहीं आएगा फोटो, नहीं आएगा उसमें, बहुत गंदा है। चलो छोड़ो रहा, ठीक है, खैर अगली क्लास में ध्यान रखें, अगर ऐसा कोई रिपीटेड क्वेश्चन होगा तो उसको देख लेंगे, ठीक है ना। चलो अगला देखो। अच्छा, इसमें हाँ इन्फॉर्मेशन भी है, थोड़ी नोट डाउन कर लो। नवपाषाण युगीन यानी के जो नियोलिथिक एज मानी जाती है ना, नवपाषाण, उस टाइम दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया में जो डेड बॉडीज होती थी उनको बहुत सारी कब्र, जिसको समाधि कहते हैं हिंदी में, उनमें दफनाने की परंपरा थी, ठीक है। कहाँ? साउथ इंडिया में। ध्यान रखना इस बात का, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा हुआ है एग्जाम में। और इन समाधियों में
जो बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे उसी को ये नाम दिया गया है मेगालिथिक। ठीक है, तो उसी के नाम पे ये माना गया कि मेगालिथिक यानी बड़े पत्थरों का भी कोई दौर रहा होगा जो उस टाइम के मानव रहे होंगे, ह्यूमंस रहे होंगे उनके टाइम पे। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो। भीमबेटका किसके लिए फेमस है? रॉक पेंटिंग्स ऑफ केव्स, मिनरल्स, बुद्धिस्ट स्टैच्यूज और सोन नदी वहां से निकलती है इसलिए, इनमें से कौन सा सही है? जल्दी बताओ। आज तुक्केबाजी ज्यादा हो रही है ना। आयुष 6 का ए, गुफाओं के रॉक पेंटिंग भीमबेटका। अपर्णा 6 ए, ए राधिका, निशांत, रश्मि, रूपम, आलोक, रवि, पीहू, रंजन, प्रीतम, शिवा, भूपेंद्र, काव्या, नेहा, अपर्णा, एवी सी। एवी सी, आप सी आंसर दे रहे हो। बुद्धिस्ट स्टैच्यू, रूपम 6 ए, रितीश। चलो सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। जो रॉक पेंटिंग्स थी ना उसके लिए फेमस है भीमबेटका। और इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इन्फॉर्मेशन अच्छी है। मध्य प्रदेश का रायसेना एक डिस्ट्रिक्ट है, रायसेन, उसमें है भीमबेटका। ठीक है, और ये प्री हिस्टोरिक टाइम के जो शैल चित्र हैं वो हैं। और इसमें देखो ये लिखा है ना, प्री हिस्टोरिक है। रॉक पेंटिंग मतलब पत्थरों पे या गुफाओं में जो पत्थर होते हैं ना उनको, उन पे पेंटिंग की गई है। और इन गुफाओं में यानी कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इनमें जिंदगी के जो पहलू होते हैं उनको अलग अलग तरीके से उस टाइम की सोच के लोग, और जितने टैलेंटेड होंगे उतनी उन्होंने कोशिश की होगी बनाने की, तो वो आज भी हैं। ये बहुत हैरानी की बात है। और इसमें क्या क्या है? हाथी की पिक्चर है, सांभर जो हिरन की तरह होता है वो, और हिरन इन जैसे जानवरों की भी पिक्चर है। और अब तक लगभग 700 ऐसे प्लेसेस मिले हैं और इनमें लगभग 133 कुछ पेंटिंग्स मिली हैं। देखो शायद मैंने इसको यहाँ लिखा भी है, वो सॉरी स्क्रीन आएगी शायद आगे, स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे बताता हूँ। कुछ ले लिया होगा। चलो आगे देखो, देखो शायद ये हैं वो पेंटिंग, जैसे ये सांबर, हाथी और इस टाइप की जो पिक्चर देख रही है ना, ये देखो जानवरों के। तो उस टाइम वो जितना सोच पाए होंगे मतलब अपनी कला को जितना निखार पाए होंगे उतना उन्होंने कोशिश की बनाने की। फिर भी अगर हजारों साल पहले अगर लोग इतना भी कर पा रहे थे तो ये बहुत बड़ी बात है। ये देखो ये सांड का फोटो है, ये बहुत सारे हिरन्स हैं, इधर ये कोई और जानवर है, ये इधर कोई और जानवर है, ये सब ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इनमें से कौन सा प्लेस प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए फेमस है? अजंता, बाघ की गुफाएं, भीमबेटका या अमरावती? प्री हिस्टोरिक का मतलब समझ रहे हो, प्रागैतिहासिक यानी कि जब इतिहास लिखा गया उसके सबूत मिले हैं उससे पहले, यानी कि जिसका रिकॉर्डेड कोई हिस्ट्री नहीं है उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक, प्री हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का मतलब होता है जिसके रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं सबूत के तौर पे। 7 का बी, बी 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 बी, सभी लोग बी दे रहे हैं ना, बी बी बी। चलो भीमबेटका, सभी लोग सही हैं, भीमबेटका आंसर ठीक है। अभी पीछे देख के आए ना तो इसलिए रिपीट होना जरूरी था ताकि आपसे गलती ना हो, इसलिए रिपीट भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। भारत में किस रॉक शेल्टर यानी कि जहां पत्थर
के शेल्टर टाइप के बने होते थे, मतलब वही गुफा टाइप। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्चर्स कहाँ से मिली हैं? घघरिया, भीमबेटका, लेखाइया? ये लेखाइया जगह का नाम है। ट्रांसलेशन देखो कितना बढ़िया है, अकाउंटेंट। गजब है। आर्ट का बी, आर्ट का बी। अपर्णा, शिवा, भूपेंद्र, आयुष, रश्मि, रूपम, राधिका, रवि, प्रीतम, अनीशा, रंजन, काव्या। नेहा बी, पूजा बी, श्वेता बी, एएस बी। लगभग सभी लोगों ने बी दिया है। चलो, इसका मतलब आप लोगों का आंसर सही होना चाहिए, भीमबेटका। लेकिन आप सब लोग गलत हैं। आदमगढ़ उसका आंसर है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन है कि किस रॉक शेल्टर में, शिला आश्रय में, रॉक शेल्टर की बात कर रहा है वो, आप लोग कुछ और समझ रहे थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्चर्स कहाँ मिली हैं? रॉक शेल्टर की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार बनाने में कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था? कौन था वो? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। कौन था जिसने कंट्रीब्यूट नहीं किया? यानी कि इनमें से तीन लोगों ने किया होगा, तो एलिमिनेट भी कर सकते हो, मेरे हिसाब से एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हो। जल्दी बताओ। सी 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 सी, सभी लोग सी आंसर दे रहे हैं, गयासुद्दीन तुगलक है ना? हाँ, सभी लोगों ने लगभग सही आंसर दिया है, क्योंकि देखो इल्तुतमिश, सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। इल्तुतमिश में ने उसमें कुछ और जोड़ा था, फिरोज शाह तुगलक ने उसमें कुछ और माले, यानी कि जो स्टोरी है ना उसमें कई सारी मंजिलें हैं, उनको जोड़ा था। तो कौन आंसर होगा? गयासुद्दीन तुगलक सही है, सभी लोग सही है। तो यहां कुछ नोट भी कर लो, कुतुब मीनार इसका काम शुरू कराया था, बनवाना शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है? और ये कंप्लीट हुई थी इल्तुतमिश के टाइम पे। फिरोज शाह तुगलक ने इसमें फोर्थ जो स्टोरी है इसकी, चौथी मंजिल, उसको उस टाइम कुछ भूकंप आया होगा या आंधी पानी, उससे कुछ नुकसान हुआ होगा, इस वजह से उसने चौथी मंजिल उसमें दो और जोड़ दी, यानी कि चार मंजिल के बाद दो और जोड़ दी, यानी कि ये तीन लोग हो गए, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। अब यहां देखो, ध्यान रखना, वो तीसरा नाम यहां लिखा नहीं है, खैर उस पर नहीं जा रहे हम, इंफॉर्मेशन जो काम की है वो देखो। चौथी मंजिल या उसके ऊपर जो थी वो किसने जोड़ी, क्वेश्चन ये है, ठीक है ना? तो फिरोज शाह तुगलक ने जोड़ी थी, ध्यान रखना, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल कौन सी थी? दिल्ली, लखनौती, अजमेर, लाहौर? और क्यों थी उसका रीजन बताता हूं भी। बी नहीं होगा, दिल्ली। निशांत, दस का बी,
दिल्ली, सौरभ नारायण के हिसाब से दिल्ली है, प्रीतम रवि, नेहा, भूपेंद्र, अनीशा, ये सब लोग ब्लंडर कर रहे हैं, नीतीश, सब लोग ब्लंडर कर रहे हैं। आप कॉमन सेंस लगाओ, दिल्ली कैपिटल ऑलरेडी है, अगर वो दिल्ली के बारे में क्वेश्चन पूछता तो ये क्वेश्चन क्यों फॉर्म करता वो, क्यों पूछता, क्यों रिपीटेड होता ये क्वेश्चन? इसका मतलब दिल्ली नहीं होगी, लाहौर थी। और उसका रीजन था, जो मोहम्मद गौरी था ना, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ छोड़ा था गुलाम के तौर पे, उसको वो लेके आया था, और उसने यहाँ का उसको सर्वे सर्वा बनाया था, लेकिन मोहम्मद गौरी के जो रिलेटिव और बच्चे थे वो इस बात पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे, और वो कुतुबुद्दीन ऐबक से हमेशा पंगा लेने की फिराक में थे, इसीलिए वो दिल्ली कभी नहीं आया, उसने कैपिटल दिल्ली को नहीं बनाया, वो लाहौर से ही चलाता रहा हुकूमत। ठीक है, देखो शायद डिटेल लिखी भी होगी। हाँ, मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद, कब डेथ हुई है वो भी ध्यान रखना, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठता है, लेकिन वो अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर नहीं करता है, और इसने लाहौर से हुकूमत चलाई है, और 1206 में ये गद्दी पे बैठा है। ठीक है, और ऐबक की राजधानी या कैपिटल कौन सी थी? लाहौर। और ऐबक के सामने प्रॉब्लम क्या थी कि वो दिल्ली क्यों नहीं बैठ रहा था? क्योंकि उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि गौरी के जो और गुलाम थे, वो जो उसका सक्सेसर था, यानी कि जो वारिस था ऐबक उसका, गौरी का उत्तराधिकारी, जिसका नाम ताजुद्दीन यल्दौज था और नासिरुद्दीन कुबाचा, ठीक है, ये इन दोनों के फेवर में जो और गुलाम थे मोहम्मद गौरी के, वो इनको बिठाना चाहते थे, और इसने, क्योंकि इसको बोला था गौरी ने, इसलिए ये उस तरीके से सत्ता पे कब्जा रखना चाहता था। ठीक है ना, और ऐबक ने फिर क्या गेम खेला, अपनी सिस्टर की शादी जो नासिरुद्दीन कुबाचा था ना उससे कर दी, तो वो फेवर में आ गया उसके। अब ये ताजुद्दीन यल्दौज अकेला पड़ा, और इसने लाहौर में, क्योंकि लाहौर से ही ज़्यादा खतरा दिख रहा था, ये वहीं था ताजुद्दीन यल्दौज उसी साइड, तो इसने सोचा यहीं से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, दिल्ली से शायद कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा, इसीलिए ऐसा हुआ था। ठीक है, और यही रीजन था कि ऐबक हमेशा लाहौर में ही रहा, और उसे दिल्ली आने का कभी मौका ही नहीं मिला। ठीक है ना, क्योंकि उसे खतरा था इसलिए उसे मौका नहीं मिला। चलो आगे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंडिया के रेफरेंस में जो हुकूमत की पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण, यानी के पैट्रियार्कल अप्रोच, यानी के इंडिया के लोग बच्चे हैं और उनका कोई बाप है, ये सोच इनमें से किस अंग्रेज ने दी थी, जिसके बेस पे अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी भारत में? जल्दी बताओ, 11D, 11A, काव्या ए, रूपम ए, अनीशा डी, शिवा ए, आलोक डी, रवि ए, पीहू कोई जवाब नहीं है आपके पास? 1D, 38, 11D, रूपम ए, अनीशा डी,
भूपेंद्र, नो आइडिया, अपर्णा डी। चलो देखो आंसर क्या है इसका। जो लोग मैकॉले कह रहे हैं ना, वो मैकॉले तो नहीं है, वो बंदा थॉमस मुंड्रो है, जो ये कहता था कि हम अंग्रेज लोग बाप की तरह किरदार निभाते हैं, रोल प्ले करते हैं, और इंडिया के जो लोग हैं वो बच्चे जैसे हैं, उनको हम संभाल के रखेंगे। मतलब वही जो मानसिकता, मेंटेलिटी थी ना हुकूमत करने वाली, तो जब कोई हुकूमत करता है तो वो अपने आप को बाप ही समझता है, और लोगों को जो कंट्रोल में होते हैं उनको बच्चा समझता है। तो उसी को वो कहना चाहता था। देखो इंडिया के रेफरेंस में सकारात्मक और स्वच्छ रोमांटिसिज्म, ये जो एंगल था, सोच थी, वो थॉमस मुनरो, मेलकम एल्फिंस्टन और मेटकॉफ, इन लोगों की थी। लेकिन क्लियर कट अगर इस रूप में उस किसी ने जवाब दिया था तो वो थॉमस मुनरो था, ठीक है। और इसी ने रैयतवाड़ी सिस्टम जो शुरू नहीं किया था, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, तो इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक है, आगे चलें। अभी डर गए? किसी को लगा मेरी स्क्रीन टूट गई? निशांत को लगा कि स्क्रीन टूट गई? क्या हो गया था, भूत आया था? चलो अगला क्वेश्चन देखो। फेमाइन, इंडियन फेमाइन कोड 1883 बना था, यानी कि जो पहले सूखा पड़ता था ना, अकाल, उसके लिए कानून बना था 1883 में, ठीक है। वो किस कमीशन के कहने पे बना था, ये क्वेश्चन है। अपर्णा, डरा दिया, अभी तो कह रही थी कि राजनीति में उतरना पड़ेगा, तो ऐसे डर तो राजनीति में बहुत सहने पड़ेंगे। वायरस है सिस्टम में, हाँ सिस्टम में वायरस है, वही कूद के आ रहा था। भूत आ गया था। लड़कियां नाजुक हैं, हाय हाय, हाय अल्लाह। रंजन को देखो, लड़कियों की कितनी फिक्र है, लड़कियां नाजुक हैं, तो लड़कियों को संभाल लो, पढ़ क्यों रहे हो? चलो इसका आंसर दो। जो फेमाइन कोड था वो हंटर कमीशन, स्ट्रैची कमीशन, हर्टग कमीशन या इंडिगो कमीशन, किसके बेस पे आया था या बना था? चलो सभी लोगों ने सी जवाब दिया है ना, स्ट्रेची कमीशन, हाँ ठीक है, सभी लोगों का आंसर ठीक है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, और रिसेंटली 2015 यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है कि इंडियन फेमाइन कोड, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता, सूखा संहिता भी कह सकते हो आप उसको, जैसे भारतीय दंड संहिता है ना, वैसे ये फेमाइन से रिलेटेड है। स्ट्रेची कमीशन बना था, उसने रिकमेंड किया था, क्या था थोड़ा सा उसको डिटेल में देख लो। 1866 में जॉर्ज कैम्बल के अंडर में एक फेमाइन कमीशन बना था, ठीक है, और इसने गवर्नमेंट को ये कहा कि जो रिलीफ है वो रिलीफ देना गवर्नमेंट का काम है। किसने कहा? इसने, जॉर्ज कैम्बल कमीशन ने, ध्यान रखना, जो फर्माइन कोड बना था। फिर इसके बाद 1876-77 में फर्माइन पड़ा, उसके लिए 1878 में एक फिर स्ट्रैची कमीशन बना, और इसी की रिकमेंडेशन पे फर्माइन कोड 1883 बना है।
फरमाइन कोड का मतलब है कि उसमें ये लिखा होगा कि एक ऐसा कानून जैसे आईपीसी है ना, भारतीय दंड संहिता, उसमें दंड से जुड़ी हुई बातें, सजा, ये सूखा अगर देश में किसी एरिया में पड़ेगा तब सरकार की क्या जिम्मेदारी होगी, वो इसमें लिखा हुआ था। ठीक है, संहिता का मतलब कानून से होता है। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा एटम का पार्ट नहीं है, भाग नहीं है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। आंसर बहुत आसान होगा, रिपीटेड है। हाँ, सौरभ ने सही बोला, रियल में फूलन देवी नहीं, रियल में लक्ष्मी बाई। 13 का डी 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 डी, सभी लोग डी दे रहे हैं, फोटोन। हाँ, ये आंसर आप, आसान भी है, रिपीटेड भी है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है, नहीं है ये क्वेश्चन है। लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपेरे, फ्रीडम एट मिडनाइट, ये किताब इन्होंने लिखी थी। दुर्गादास ने इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये इन्होंने लिखी थी। के अजीज, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इन्होंने लिखी थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम, इन्होंने लिखी थी। तो कौन सी सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही मैच नहीं है, ये बताना है। डी, अपर्णा, सी, राधिका, सी, काव्या, सी, आयुष, सी, 38, 14, सी सी सी, रूपम, सी, शिवा, सी, प्रीतम, रश्मि, नेहा, सब लोग सी दे रहे हैं ना। के अजीज, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, आप लोग सही हैं, यही आंसर है। लेकिन इसने, एक मिनट, के अजीज, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू, हाँ ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपेरिये, फ्रीडम एट मिडनाइट, इन्होंने लिखी है। के अजीज ने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम, लेकिन इसका थोड़ा सा आंसर गड़बड़ है देखो। बल्कि जो ये आंसर इन्होंने लिखा है ना, ये गलत है, ये वाला सही है, मतलब ये करेक्ट है और ये गलत है। रफीक जकारिया नहीं है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये सही है। मैं भी गलत बोल गया था। देखो, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया ने लिखी है, ये यूएसए में, यूएसए के सिटीजन हैं ये, और बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं शायद। इनके आप इंटरव्यू वगैरह देखते होंगे, काफ़ी डिस्प्यूट भी हो जाता है शायद, CNBC या कोई चैनल है अमेरिका का, उसमें काफ़ी बड़े जर्नलिस्ट हैं ये, और बड़ा क्रिटिक्स हैं, बहुत खतरनाक तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि कई बार हाईलाइट भी हुए थे ये। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये रफीक जकारिया ने लिखी है। एक बार फिर से देखो, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपियर, ये फ्रीडम एट मिडनाइट नाम की किताब है, ये इन लोगों ने लिखी है। ठीक है, के अजीज का जो ऑप्शन था ये गलत था, और दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये इन्होंने लिखी है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में पता ही होगा, इंडिया विंस फ्रीडम, ये इन्होंने लिखी है। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का फाउंडर कौन था? बहुत आसान है, सभी लोगों को पता होगा। बी वाले ताली बजाओ, हाँ बी वाले ताली बजाओ। कभी कभी
टाइपिंग एरर की वजह से मैं भी गलत बोल जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ। चलो इसका आंसर दो, 15 का डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। रश्मि ए, इल्तुतमिश। रश्मि सब ठीक है ना? इल्तुतमिश भूपेंद्र बी, अलाउद्दीन खिलजी। वाह क्या बात है भूपेंद्र, तुम्हें तो सलाम करने को मन कर रहा है। अरे महान आत्मा, खिलजी लिखा है ना, तो ये खिलजी वंश हो गया या खिलजी लोग हो गए, तो ये गुलाम कहाँ से हो गए? चलो आंसर देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। बारह सौ छः से 1290 तक दिल्ली सल्तनत ये गुलाम डायनेस्टी के कंट्रोल में रही है, ठीक है? लेकिन असल में ये गुलाम डायनेस्टी गुलाम थे नहीं, वैसे नहीं कह सकते हम। इनका अगर वंश देखोगे ना, क्योंकि गुलाम कोई वंश थोड़ी होता है, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक है ना? और ये सब ना एक ही कोई डायनेस्टी या क्लैन के नहीं थे, एक ही रेस के नहीं थे, इसीलिए देखो यहाँ लिखा है, हालांकि वो एक ही वंश के नहीं थे, लेकिन वो सभी तुर्क थे, यानी कि टर्किश क्लैन से जुड़े हुए थे या रेस के थे, लेकिन उनके जो डायनेस्टीज थी वो अलग अलग थी, डिसेंट जो था वो अलग अलग था, और ये सभी अलग अलग माँ बाप की औलादे थे। तो जब अलग अलग माँ बाप की औलादे हैं तो एक एक कैटेगरी में आप कैसे रख सकते हो ना, है ना? हालांकि उसको ऐसी क्लासिफाई किया गया तो मान लेते हैं हम। और इनको अगर गुलाम वंश के सुल्तान कहने की बजाय हम इनको ममलूक सुल्तान, ममलूक सुल्तान, या जो इनिशियल तुर्की सुल्तान हम अगर कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अब ऐसे लिखा है गुलाम वंश, वही परंपरा चली आ रही है, तो आप भी मान ही लो। इनकी जो डायनेस्टी है ना, वो मतलब डिफरेंट ब्रांचेस को, वो ममलूक से जुड़ी हुई है, इसलिए उसको ममलूक सुल्तान कहना ज़्यादा सही रहेगा। गुलाम वंश का पहला रूलर कौन था? हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक या बलबन? जल्दी बताओ। आयुष के हिसाब से रियल फाउंडर इल्तुतमिश। 15 का डी, 16 का बताओ, 16 16 16 का बी। बी 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 बी, सभी लोग बी आंसर दे रहे हैं ना? संदीप ने ए दिया है, संदीप ने ए दिया इल्तुतमिश। अभी मैंने बताया था कि मोहम्मद गौरी अपने किस गुलाम को छोड़ के गया था हुकूमत करने के लिए, और आप फिर भी गलत दे रहे हो। ए दो लोगों ने दिया है, शिवा ने भी दिया है, और चलो करेक्ट करो अपना आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है? अगला देखो, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, मतलब लाखों को बख्शा था, उसने दिया था, गरीबों में बहुत दान करता था, इसलिए उसको लाख बख्श कहते थे, दान, बहुत दानी व्यक्ति था, इसलिए ये क्वेश्चन बना हुआ है। जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 17, बी 38 का बी, एवी का सी, नेहा का नेहा, आंसर लिखा ही नहीं आपने। काव्या 17 का बी,
आलोक डी, रंजन सी, पूजा डी। अच्छा, इस क्वेश्चन पे आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं, सभी लोगों के आंसर वेरी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ए बी सी डी सब चूज कर रहे हैं। चलो इस आंसर को ना रट लेना, ध्यान रखना, डी, राधिका डी। चलो, जिन लोगों ने भी डी आंसर दिया है उनका आंसर ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये लाइन बोली जाती कि वो लाख बख्श सुल्तान था, यानी कि दान बहुत करता था। यहां कुछ इंफॉर्मेशन है, देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक इतना ज्यादा डोनेशन करता था कि उसे लाखों को देने वाला कहा गया है, इस नाम से पुकारा जाता था। फरिश्ता एक राइटर है, हिस्टोरियन भी कह सकते हो आप उस टाइम का, उसने बहुत बहुत कुछ उस टाइम के इंडिया के बारे में लिखा है। तो उसने लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की दानशीलता, यानी कि दान करने के लिए बहुत तारीफ की जाती थी, तो वो अपने आप को उस युग का ऐबक कहते थे। इतना इतना नाम ये रिलेट हो गया था कुतुबुद्दीन ऐबक से कि वो अपने आप को, जैसे कोई बहुत दानी है, दान करने वाला, तो वो अपने आप को ऐबक कह देता था कि आज का ऐबक ये है, ऐसे। तो ये फरिश्ता ने वहां लिखा है। और एक बात और ध्यान रखना, इसको एक टाइटल भी दिया गया था, कुरान खुआ, ठीक है? तो ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक टाइटल नाम नाम में जोड़ दिया गया था, कुरान खुआ, ठीक है ना? मतलब कुरान पे महारत हो जिसको, वो सेंस बनता है। और हसन निजामी, इस व्यक्ति का नाम याद रखना, और फक्रे मुदब्बिर, इसका नाम याद रखना। इन दोनों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दरबार में रख रखा था, मतलब विद्वान थे, स्कॉलर थे इसलिए, ठीक है ना? और इन्होंने ही बहुत सारे जो ग्रंथ थे वो उन कुतुबुद्दीन ऐबक को दिए थे या उसकी तारीफ में लिखे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये दो मस्जिदें बनवाई थी, ठीक है ना? कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में है, जो कुतुब मीनार है ना उसी के पास, उसी कंपाउंड में, और जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है वहाँ पे मस्जिद बनवाई थी। और इसने कुतुब मीनार का काम शुरू कराया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। देखो, मैं जो बोल रहा था ना, ऐबक ने कभी अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर नहीं किया। क्यों नहीं किया वो मैंने आपको बताया था, उसको डर था गौरी के बच्चों से, ठीक है? इस जगह देखो मैं जा चुका हूँ, जो ये है ना 2.5 दिन का झोपड़ा, बहुत साल पहले गया था, तो शायद मैंने एक फोटो भेजी भी थी, शायद लगी हो, नहीं लगी है, चलो कोई नहीं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस साल अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? जल्दी बताओ। चलो, अभी ये गलती तो है, क्लरिकल, बीपीएससी का क्वेश्चन है 2019 में। इसमें ये प्रॉब्लम है कि जब फिफ्थ ऑप्शन आ रहा है तो ये एक आंसर खुल जाता है ना, पिछली बार भी हुआ था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस साल फैक्ट्री पटना में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ध्यान रखना, 1632 में अपनी फैक्ट्री खोली थी पटना में, ठीक है ना? ईयर याद रखना और कौन सी कंपनी ने खोली थी वो भी ध्यान रखना है, ठीक है? और आज डच जो फैक्ट्री थी, आज आप पटना कॉलेज का नाम सुनते हो? ये जो पटना कॉलेज है ना, यही है वो डच फैक्ट्री जो डच लोगों ने 1632 में खोली थी, यानी कि पटना कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसका बहुत सारा हिस्सा ये वही डच फैक्ट्री है जो 1632 में बनी हुई थी, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी बुक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी? इंडिया इन ट्रांजिशन, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या गीता रहस्य? जल्दी बताओ। सोलह का बी, 19 पे आओ जल्दी फटाफट, 19 का जल्दी दो, जल्दी फटाफट फटाफट,
19 का बी, प्रिंस भूपेंद्र रूपम अपर्णा रिंशा नेहा बी, प्रीतम अभिषेक 38 बी, सभी लोगों का लगभग बी है ना, तो इसका मतलब सही बोल रहे हैं आप लोग। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने इस बुक को लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सही मैच नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच, अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक, दुर्गादास नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जो आपको याद हैं उनको एलिमिनेट कर लो, तब भी हो सकता है ये आंसर। हाँ, आज 20 क्वेश्चन जल्दी हो गए क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बहुत बड़े लेंदी नहीं थे, आईएएस वाले क्वेश्चन कम थे ना आज, इसलिए ऐसा हुआ है। हाँ जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है? हम 40 क्वेश्चन भी कर सकते हैं लेकिन वो ना मजा नहीं आएगा, आप उसमें कुछ सीख नहीं पाओगे, जबरदस्ती वाली बात हो जाएगी, सही है गलत है, मेरा आंसर सही हो गया गलत हो गया, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो जो लोग इंटेंशन लेके आते हैं कुछ सीखना है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में दिमाग में कुछ रखना है, उनके लिए वो ठीक नहीं है, यही ठीक है कम क्वेश्चन हो। 20 का ए शिवा के हिसाब से, रूपम के हिसाब से बी, अपर्णा बी, सितांशु बी, प्रीतम बी, रश्मि बी, काव्या बी, मुकेश बी, सौरभ जो कि हैं गौरव उनके हिसाब से बी, रंजन बी, संदीप ए, रश्मि बी। नहीं पता है ये ऑप्शन नहीं है इसमें। चलो देखो, आप लोग जो भी आंसर दे रहे हैं, अनहैप्पी इंडिया ये बाल गंगाधर तिलक ने नहीं लिखी है, तो जो लिखी है पहले वो तो देख लो, दुर्गेश नंदनी बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा है, इंडिया विंस फ्रीडम आप जानते हैं अबुल कलाम आजाद ने, पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। ठीक है, और जो याद रखना है वो आपको, अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा था? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, ध्यान रखना। और बाल गंगाधर तिलक ने केसरी इंग्लिश में, सॉरी केसरी मराठी में और मराठा इंग्लिश में, ये न्यूज़पेपर निकाले थे। दुर्गेश नंदिनी जो है वो बंकिम चंद चटर्जी ने लिखी है, और इन्होंने ही, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम वाला जो है ना आनंद मठ ये बुक है इसमें लिखा है, वंदे मातरम वहीं से लिया गया है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद ने लिखी है। ठीक है, पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इसमें क्रिटिसाइज किया था दादा भाई नौरोजी ने उस टाइम की ब्रिटिश हुकूमत के बहुत सारी गलत पॉलिसीज को। ठीक है, तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे, अब हम लोग कल मिलते हैं, और तब तक आप इंग्लिश की क्लास शुरू होने वाली है, आप लोग उसको करिए और कल मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।